हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 29, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ लेंगे हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। क्योंकि हमें अगर एग्जाम में आ जाता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप और आपको 8 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, तो आपको मैं 10 पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जिनमें से आप कोई से भी 8 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छे से लिख सकते हैं। इसलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है बेस्ट ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। क्या होता है लीडरशिप, हमने अच्छे से समझ लिया है। क्या होता है बच्चों, लीडरशिप का मतलब है कि एक मैनेजर है, कौन है, एक मैनेजर है, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करेगा। एक मैनेजर है जिसने डिसाइड किया है कि वो अपने इंप्लॉइज को मोटिवेट करेगा, उसको अच्छे से गाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ताकि वो अच्छे से काम करे। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि लीडरशिप क्या होता है। तो जो लीडरशिप होता है ना, वो किस बेस पर चलता है, किस बेस पे वो वर्क होता है, वो वर्क करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। एक मैनेजर ने डिसाइड किया था बच्चों कि एक मैनेजर ने डिसाइड किया था कि वो अपने एम्प्लॉइज से मिलने के बाद उनको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा और इंस्पायर करेगा, ताकि वो अच्छे से काम करे। तो वो अगर मिलेगा ही नहीं, तो क्या वो उनको गाइड कर सकता है, क्या वो उनको मोटिवेट कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बोल रखा है कि जो लीडरशिप आप करना चाहते हो, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको उससे मिलना होगा। दैट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सपोज दैट कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे आप प्यारे बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे भी आपसे मिलना होगा। मैं मिल तो रहा हूँ आपसे, डेली मिलता हूँ, मैं मॉर्निंग में मिलता हूँ, मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू मिलता हूँ, मैं आपसे जूम ऐप के थ्रू मिलता हूँ, मैं आपसे सीआईसीए ऐप के थ्रू मिलता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि अगर आपको लीडरशिप यूज करना है, आप लीडरशिप को अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो आपके अंदर अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, एग्जेम्प्लरी कंडक्ट होना चाहिए, मतलब अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बर्ताव। आप एक सर से पढ़ना चाहते हो, आप एक सर से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप मेरे सर के अंदर नॉलेज भी अच्छी हो और उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो, वो सबसे प्यार से बात करे, तो ऐसे सर से सब पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से भी पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ मेरा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गुड बिहेवियर। अगर आप लीडरशिप को यूज करना चाहते हो, बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अच्छा बिहेवियर को डेवलप करना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है, सबके दिमाग में ऐसा क्रिएट करना है कि ये बहुत अच्छा इंसान है, तभी तो जाकर वो आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी तो जाकर वो आपकी बात को सुनेंगे। तो यहाँ पर बोल रखा है कि अगर आपने लीडरशिप को यूज करना चाहते हो, तो आपके अंदर आपका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एक मैनेजर, वो क्या करता है, वो इम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, ताकि हमारा इम्प्लॉय अच्छे से काम करे। तो एक मैनेजर का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि सारे इम्प्लॉइज उसको पसंद करें, कि सारे इम्प्लॉइज जब भी वो कुछ बोले तो उसकी बात को सुने, अच्छे से सुने। तो इसलिए एक मैनेजर चाहता है कि लीडरशिप को अच्छे से यूज करना, तो मैनेजर का जो बिहेवियर है, जिस तरीके से वो बोलता है, लोगों से बात करता है, लोगों को सिखाता है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है, बहुत ही सिंपल है, कंटीन्यूअस प्रोसेस। कौन सी? कंटीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो लीडरशिप है ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, जो लीडरशिप है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक साल कर दी फिर उसके बाद आप भूल गए लीडरशिप करना। एक साल आपने आपके इम्प्लॉइज को इन्फ्लुएंस कर दिया, मोटिवेट कर दिया, गाइड कर दिया, उसके बाद आपने 10 साल तक ही नहीं करी लीडरशिप, तो उससे क्या होगा, आपके इम्प्लॉइज वापस डीमोटिवेट हो जाएंगे, वापस अच्छे काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोल रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप का पॉइंट नंबर 8 बोलता है कि आपको लीडरशिप एवरी डे बेस पे करनी है, हर रोज करनी है, हर सप्ताह करनी है, हर महीने करनी है, 26 डेज करनी, 35 डेज करनी, जितने भी मंथ होते हैं उतने में करनी, जब तक आपकी कंपनी है तब तक करनी है। दैट इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम प्रोसेस है, इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, लगातार हर महीने, हर दिन, हर वीक आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ताकि वो अच्छे से वर्क करे। दैट इज कॉल्ड एज कंटीन्यूअस प्रोसेस, उसको कहा गया है कंटीन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जो लीडरशिप है वो
कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब है कि एक जो लीडरशिप है उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक मैनेजर है वो दो तरीके से लीडरशिप को यूज करके अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकता है, कैसे? फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। फॉर्मली का मतलब क्या है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल लीडरशिप। उसको क्या कहते हैं? फॉर्मल लीडरशिप कहते हैं। फॉर्मल लीडरशिप का मतलब क्या है, वापस समझ लो। एक मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय से मिल रहा है, बात कर रहा है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल लीडरशिप। सेकेंड है इनफॉर्मल लीडरशिप का मतलब क्या है। इनफॉर्मल लीडरशिप का मतलब ये है कि एक मैनेजर कंपनी के बाहर किसी एम्प्लॉय को बुलाता है, कोई एम्प्लॉयज को बुलाता है, कोई पार्टी में बुलाता है, कहीं ओकेशनल मीटिंग में बुलाता है और वहां पर उनको दोस्ती यादी में समझा रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल लीडरशिप। फॉर्मल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बातचीत करना, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, फॉर्मल लीडरशिप। इनफॉर्मल लीडरशिप का मतलब हमारा जो मैनेजर है वो कहीं बाहर कोई मीटिंग में या फिर कह सकते हैं कहीं बाहर कहीं घूमने जा रहा है तो अपने एम्प्लॉय से मिल रहा है, उनको कुछ बोल रहा है ताकि हमारा एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, दैट इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल लीडरशिप। तो जो लीडरशिप है वो दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। नेक्स्ट है और जो लास्ट हमारा पॉइंट है उसका नाम है ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर। ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है बेटा कि जो हमारे मैनेजर हैं, सारे मैनेजर हैं, जरूरी नहीं है कि सारे मैनेजर एक अच्छे लीडर हो। लीडर का मतलब क्या होता है, हमारे महात्मा गांधी जिन्होंने सारी पब्लिक को इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस करा, सारी पब्लिक को एकजुट करा और उनका जो आजादी का क्या था, जुनून था, जो गोल था, जो लक्ष्य था, उसको अचीव करा। तो सारे क्या बोल रहे हैं, तो जो सारे मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, अलग अलग कंपनीज के, जरूरी नहीं है कि वो लीडर हो। लीडर का मतलब क्या होता है, जो लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर मान लो किसी मैनेजर ने सही से लीडरशिप को यूज नहीं कर पाया, लोगों को अच्छे से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, तो उसको हम लीडर नहीं कहेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस अच्छे से समझो कि सारे मैनेजर लीडर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ मैनेजर लीडरशिप को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके अंदर कुछ एबिलिटीज की कमी होती है, कभी कभी उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, इसलिए जो एम्प्लॉयज है वो अच्छे से मोटिवेट नहीं हो पाते, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सारे मैनेजर्स को जितनी भी कंपनी के हैं, चाहे से वो गूगल के हों, चाहे से वो रिलायंस के हों, टाटा के हों, सारे मैनेजर्स अच्छे लीडर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारे हमने पढ़ लिए हैं बाकी के बचे हुए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप के। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है कि लीडरशिप क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए।